फाइनली पहुंच गए हम सेमिनियाक बीच में। तो गाइस हमने अपने जो स्कूटी है पार्क कर दी है, ठीक है, अब हम चलते हैं बीच में, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे क्लब्स बार्स आपको फुल मिल जाएंगे। अभी गाइस सनसेट का बस टाइम हो रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इंजॉय करो। स्कूटा में डिनर करने हैं, ठीक है, हमने कुछ स्नैक्स मंगाया और कुछ डिनर के लिए सब्जियाँ। हमने यहाँ पे फिश कड़ी मंगाई है, ठीक है, मशरूम हो गया, मशरूम की सब्जी, प्लस ये यहाँ पे दही कबाब है, वो ट्राई करा है। मतलब यार इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना यार बहुत ज़्यादा घूमते हैं, एक से दो रेस्टोरेंट है अच्छे जहाँ पे टेस्ट हमें अच्छा मिला। इसका भी टेस्ट अच्छा लगा, कल भी हमने यहाँ पे खाया था, आज भी खाया। बाकी दिन में तो हम दूसरी, ठीक है, चाइनीज़ आइटम्स वगैरह भी वो ट्राई करी, बट क्या है उसे खाना है ना, इंडियन फूड ना खाए ना तो ऐसा, अगर ना खाए तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए हम खाने आए हैं। तो चलिए इंजॉय करते हैं इस खाना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हमारा कोटा में लास्ट डे है, और हम इंडोनेशिया में ही लास्ट डे है, कल हम वापस जा रहे हैं इंडिया। तो गाइस आज हम निकले हैं एक न्यू यहाँ पे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने, जो कि है यहाँ पे ताना लोट टेम्पल, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा गाइस आज हमने ग्रैब करी, आज हमने स्कूटी रेंट पे नहीं करी, हमने चलो यार लास्ट डे है, कुछ गर्मी भी आज थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए आज हमने ग्रैब बुक कर ली। सो गाइस ताना लोट हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सामने पार्किंग है, और ये यहाँ से एंट्री है कार वगैरह के। तो बाकी यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ती है इसकी भी, तो टिकट का प्राइस है 75,000 इंडोनेशियन रुपी है, आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये गेट है गाइस, ये जो एंट्री टिकट है इसी के साथ ही यहाँ पर आपको ये गेट है, यहाँ से एंटर करना पड़ता है। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर टिकट इनको दिखानी पड़ती है, स्कैन करके फिर हमारी एंट्री। का कहना भैया यहाँ से आप बाहर से इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप कॉफ़ी नहीं, अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको कॉफ़ी बाय करनी पड़ेगी।
तो भाई यहाँ पे एक गेट बना हुआ जो बाली गेट है। तो गाइस अभी हम हैं यहाँ पे ताना लोड का जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, ये देखिए यहाँ पे समुंदर की लहरें किस तरह यहाँ पर उठ उठ के आ रही है। और ये गाइस सामने देखिए एक यहाँ पे मंदिर का कुछ बना हुआ है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे रास्ता है नहीं, मे भी शायद यहाँ पे जो पानी है जब लेवल कम होता होगा तब यहाँ से जाते हैं। मौसम यार सामने सिर्फ समुंदर ही समुंदर, और सामने गाइस आपको देख पा रहे होंगे आइलैंड भी है सामने। तो गाइस ये पॉइंट तो आपने देख लिया, बट यहाँ पे एक और साइन बोर्ड लगा ब्यूटीफुल व्यूज, ब्यूटीफुल व्यू कोर्ट टू टेक पिक्चर ऑफ द टेम्पल, मतलब आगे भी एक तो एक मेन पॉइंट है देखने वाला, बाकी देखते हैं आगे। बाकी गाइस यहाँ पे जाते थे आपको मार्केट भी यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। वहाँ से हम आ रहे थे तो आगे ये पॉइंट बंद है, ये लास्ट पॉइंट है, इसका व्यू देखते हैं। मेन गाइस यहाँ पर सिर्फ एक व्यू ही है, ठीक है। देखो समुंदर की कैसे लहरें आती हैं, तो आपको मैंने दिखाया था मंदिर जो सेंटर से मैं बना हुआ है। यहाँ पे आप खा भी सकते हैं, आपको कोकोनट वाटर तो यहाँ पे हर जगह मिल जाएगा, नारियल पानी। बाकी यार नज़ारा आप इंजॉय करिए, ये देखिए वेव्स देखिए।
टेंपल की जो उनसे बाउंड्री बहुत ज़्यादा बढ़िया, वो आप देख सकते हैं दूर तक वहाँ पे इसकी बाउंड्री देखने में। बाकी यहाँ पे आया, यहाँ पे एक टेंपल है, इधर टेंपल के बैक साइड भी ये व्यू ही है। मतलब तो भाई ये टेंपल अकेला वो नहीं कि वो एक जो था बीच में देख पा रहे हैं, इसके अलावा ये पूरा अभी तक देख रहे हैं सारे टेम्पल का ही इस साइड का, और इस साइड भी बहुत अच्छा व्यू है। तो ये एक टेम्पल है गाइस, टेंपल के बैक साइड का आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है, पहले इसे एंजॉय करो। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो यहाँ पे कुछ तैयार कर रहे हैं, जो फ्रूट्स का कुछ बना रहे हैं। Yeah.